बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथ इन एज और एलिजाबेथ इन ड्रामा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथ इन ड्रामा के जो राइटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथ इन ड्रामा राइटर्स, ऐसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिली। लिली द ऑथर ऑफ ब्यूफेस एंड ही रोट अ नंबर ऑफ प्लेस। उसने डिफरेंट प्लेस लिखे हैं। नंबर वन है कैंपस, जो कि उसने लिखा 1581 में। सेकंड है सेफो एंड फाउ, जो कि उसने लिखा 1584 में। नेक्स्ट जो है एंडिमियन, वो है 1591 में उसने लिखा। और मिडास है जो कि उसने 1592 में लिखा। और ये क्या है कि दीज प्लेज आर मिथोलॉजिकल एंड पेस्टोरल एंड दे आर रिटन इन प्रोज। मिथोलॉजिकल यानी कि अफसानवी, जो वो स्टोरीज जो कि देवताओं के बारे में लिखे जाए, और पेस्टोरल वो है जो कि देहाती जो जिंदगी होती है उसके बारे में, या जो चरवाहा या गडरिया होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज लिखे जाए उनको हम कहते हैं पेस्टोरल। नेक्स्ट है जॉर्ज पील। He was an actor as well as writer of plays. के वो क्या थे? एक्टर भी थे और साथ ही साथ राइटर भी थे। एंड ही रोट हाफ डजन प्लेज, उन्होंने हाफ डजन प्लेज लिखे, जिसमें जो मेन है प्लेज वो है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो कि उन्होंने 1584 में लिखा, और यूलोजी ऑफ क्वीन एलिजबेथ, जो कि उन्होंने क्वीन एलिजबेथ की तारीफ में लिखा। और सेकेंड है डेविड एंड बात शीबा, जो कि उन्होंने लिखा 1599 में। नेक्स्ट राइटर है वो है थॉमस किड। ही अचीव्ड ग्रेट पॉपुलैरिटी विद हिज फर्स्ट वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड विच वॉज ट्रांसलेटेड इन मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने जो मेन उनका जो वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसके जरिए उन्हें शोहरत मिली और जिसको डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट है कि ही इंट्रोड्यूस द ब्लड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा, और यही राइटर थे कि जिन्होंने सबसे पहले ब्लड और थंडर को जो एलिमेंट है उसको ड्रामा में इंट्रोड्यूस करवाया। आगे है रॉबर्ट ग्रीन। ही लिव्ड अ मोस्ट डिसोल्यूट लाइफ एंड डाइड इन डिस्ट्रेस एंड डेब्ट, एंड हिज मोस्ट इफेक्टिव प्ले इज फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। उन्होंने जो उनका जो मोस्ट इफेक्टिव प्ले था वो है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, एंड इट्स सिंपल लव स्टोरी बिटवीन टू मैन एंड वन मेड। इस टाइम जो थीम होता था, जो मेन थीम था वो था लव लव, तो उन्होंने भी उसी को बेस बना के अपने जो प्ले है वो लिखा, और उसमें सिंपल लव स्टोरी थी और किसके दरम्यान थी? बिटवीन टू मैन एंड वन मेड। आगे जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं इस इरा के, वह हैं क्रिस्टोफर मार्लो। वह हैं जिनका जो पैदा हुए 1564 में और उनकी डेथ 1593 में। क्रिस्टोफर मार्लो आल्सो नोन एज किट मार्लो एंड वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन इरा। वो क्या थे? प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। और उनके काम का क्या था? उनके ओरिजिनलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ब्लैक वर्स। उन्होंने बहुत ही ग्रैंड सब्जेक्ट्स चुने और उन्होंने क्या क्या जो ब्लैक वर्स है उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, उनका जो वर्क है प्ले है टुम्पर लाइन, उसमें बेहतरीन अंदाज से इस चीज को इस्तेमाल किया। यूज रिच लैंग्वेज एंड फाइन पोइटिक स्टाइल। उन्होंने रिच लैंग्वेज यूज किया और फाइन पोइटिक स्टाइल इस्तेमाल किया। उसके बाद है कि हिज हीरोज पोसेस रेनेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके जो हीरोज थे उसमें वो तमाम क्वालिटीज होती थी जो कि उस टाइम रेनेसा पीरियड में पाई जाती थी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है कि शो पैशन इन कैरेक्टर्स, कि उनके जो कैरेक्टर्स होते थे जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स, उनमें क्या हमें नजर आता है? पैशन नजर आता है हर चीज के बारे में, तो उनके करेक्टर्स में हमें क्या नजर आता है? पैशन। और साथ ही उन्होंने क्या करवाया? इंट्रोड्यूस लाइफ लाइक करेक्टर्स, के वो लाइफ लाइक करेक्टर्स को स्टेज पे लेके आए। नेक्स्ट है कि ही गेव ब्यूटी डिग्निटी एंड पोइटिक ग्लो टू द ड्रामा। उन्होंने ड्रामा को क्या दिया? ब्यूटी दी, डिग्निटी एंड पोइटिक ग्लो। सेकेंड है कि दिस ही हैज बीन राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री। इस वजह से उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री।
और टीएस इलियट इनके बारे में कहते हैं कि मार्लो कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इनोवेटर हु बाय हिज जेनियस मेड ब्लैंक वर्स द सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। और मार्लो के जो प्लेज है, मेन प्लेज वह है टिम्बरलिन है, उसके बाद है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर है, उसके बाद है द ज्यू ऑफ माल्टा है, और लास्ट में है एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड इज हिज बेस्ट फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। और आगे है सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर, वो है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो कि पैदा 1564 में और उनकी डेथ होती है 1616 में। शेक्सपियर हैज इंस्पायर्ड राइटर्स एंड पोइट्स लाइक नो अदर ऑथर ओवर द सेंचुरीज। के शेक्सपियर वो पहले राइटर हैं जिनके जिनको बाद के जो तमाम जो उनके जूनियर राइटर्स हैं उसको इनसे इंस्पायर है, इससे ज्यादा वो किसी और जो राइटर हैं उनसे इंस्पायर नहीं हुए। और बेन जॉनसन उनके बारे में क्या कहते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। उनके कैरेक्टर्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हिज कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट नोबिलिटी एंड द लिटिलनेस द गॉसिप वाइसेस इमोशंस एंड प्रेजुडिसेस एंड ट्रेडिशंस एंड एवरी कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय हिज सराउंडिंग्स। के उनके जो तमाम कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे वो उनको उन्होंने सराउंडिंग से इंस्पायर्ड होकर लिखे, क्योंकि जो शेक्सपियर थे उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा थी, वो उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स देखे और डिफरेंट लोगों से मिले, तो इस वजह से उनके उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर अपने जो राइटर्स हैं, जो अपने कैरेक्टर्स हैं, उनको उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करवाया। उसके बाद है कि टेक हिज कैरेक्टर्स थ्रू द डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि उन्होंने जो उनके कैरेक्टर्स थे उनको उनके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिहाज से उनको उनकी डेप्थ दिखाई। उसके बाद है कि ही रोट 154 सोनेट्स एट 37 प्लेस, कि उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और 37 प्लेस। नेक्स्ट है कि ही वर्क एज अ ड्रामेटिस्ट एक्सटेंडेड ओवर सम 24 इयर्स फ्रॉम 1588 टू 1612, कि उनका जो टाइम पीरियड है वो टोटल है 24 इयर्स, और जो कि स्टार्ट होता है 1588 से और उसके एंड होता है 1612 पे, और उनकी डेथ होती है 1616 में। उसके बाद है कि हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू फोर पीरियड्स, उसका उनका जो टाइम पीरियड है वर्क का उसको हम फोर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड में उन्होंने क्या किया कि दिस वाज अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क। उनका जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम कहते हैं कि उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और ही रिवाइज्ड ओल्ड प्लेज, और उन्होंने जो ओल्ड प्लेज है उनको रिवाइज किया। इस टाइम के जो प्लेज है वो है द कमिटी ऑफ एरर्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद है जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या क्या उन्होंने, द सेकंड पीरियड बिलोंग शेक्सपियर्स ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेज, के उस टाइम उन्होंने कॉमेडीज लिखे और क्रॉनिकल प्लेज लिखे। इसमें आ जाते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग एज यू लाइक इट, और है ट्वेल्थ नाइट। उसके बाद है जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में उन्होंने ट्रेजिडीज लिखी। द थर्ड पीरियड बिलोंग शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज एंड दिस इज हिज पीक पीरियड, के ये पीक पीरियड माना जाता है थर्ड पीरियड, क्योंकि उन्होंने इसमें ट्रेजिडीज लिखी जो कि बहुत ही फेमस रही। इसमें है जूलियस सीजर, हेमलेट है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पीरियड, द फोर्थ पीरियड बिलोंग द ड्रामेटिक रोमांसेस, उन्होंने ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे एंड इन दिस पीरियड शेक्सपियर इज इन अ चेंज मूड, और इसमें इन्होंने लिखा स्प्लाइन द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल, ये इनका लास्ट पीरियड है। हिज प्लेज एंड पोएट्री आर लाइक अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। इसके बाद जो लास्ट है इस इरा के ड्रामाटिस्ट वह है बेन जॉनसन, जिन जो कि पैदा हुए 1573 में और उनकी डेथ हुई 1637 में।
The English playwright and poet Ben Jonson is best known for his satiric comedies. उन्होंने satiric comedies लिखे and he was next to Shakespeare, the greatest dramatic genius of the English Renaissance. And Jonson's plays show the touch of a conscientious artist with great intellectual ability. And he was mainly a writer of comedies and comedy plays. जो उनके थे वो है वोल्पोने, स्टेरिकल स्टडी ऑफ एवरेज, जिसका मीनिंग है ग्रीडीनेस. उसके बाद है द साइलेंट वोमेन, सेकेंड जो उनका वर्क है. रिटन इन अ लाइटर मूड अप्रोचेज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. थर्ड है द अल्केमिस्ट, ब्रिलियंट रियलिस्टिक एलिजबेथन कॉमेडी. और लास्ट है इनका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. उन्होंने ये जो कॉमेडी प्लेज लिखे फोर विजय फेमस रहे. उसके बाद जो उन्होंने लिखे ट्रेजिक प्लेज लिखे सेजनस एंड कैटलाइन और नॉट सक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं रहे. उनके जो कॉमेडी प्लेज थे वो ज़्यादा कामयाब रहे बनिस्बत ट्रेजिडिक प्लेज के. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पोइट्री और उसके करेक्टरिस्टिक्स और उस टाइम के जो पोइट्स थे उसको डिस्कस करेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक दिया गया है, काइंडली उसको भी फॉलो करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.